सो हाई गाइज, लेट्स मेक आलू टिक्की चाट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टिक्की बनाने के लिए मैंने मैश्ड पोटेटोज ले लिए. देन आई एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट एंड देन चिली पाउडर. देन थोड़ा सा चाट मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे. फिर थोड़ी गाजर जो मैंने ग्रेट करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी इसमें. एंड देन थोड़े से अनियंस ऐड कर दिए. उसके बाद थोड़ी जो चिलीज होती है वो ऐड कर दी, आप अवॉइड भी कर सकते हो. एंड देन थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स एंड थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड कर दिए कि टिक्की आपकी टाइट बने. एंड देन इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे टिक्की की शेप दे दी. एंड देन फिर मैंने इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया कि जब आप इसे फ्राई करो तो वो क्रिस्पी रहे. एंड देन लेटर ऑन मैंने इसे काफ़ी कम तेल में शैलो फ्राई कर लिया. इसे बहुत कम ऑयल यूज़ करा मैंने इसमें. एंड जब आपकी टिक्की रेडी हो जाएगी देन मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया. देन एक्चुअली मेरे घर पे लेफ्ट ओवर थोड़ी वो गोल मटर वाली छोले नहीं होते, वो मम्मी ने बनाए थे तो वो बची हुई, तो मैंने वो ऐड करी पहले थोड़ी सी इसमें. फिर एक स्वीट कर्ड है, दही में मैंने चीनी मिला के रखी हुई थी तो वो मैंने ऐड कर दी इसमें. देन थोड़ा सा नमक, देन चिली पाउडर, देन चाट मसाला, फिर थोड़े अनियंस डाल दिए मैंने इसमें. एंड देन इसमें इमली की चटनी भी डालना, मैं भूल गई थी डालना. देन थोड़े कैरेट एंड देन चिलीज, देन कोरिएंडर लीव, थोड़ी सी सेव डाल दी ऊपर से और थोड़े अनार के दाने डाल दिए और ये बिल्कुल रेडी है. बहुत टेस्टी था, ज़रूर ट्राई करना. बाय बाय.